गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हो गया थर्सडे, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ जूस, ग्रीन जूस। तो इस बार है ना, जब हम लोग ने ग्रोसरी किया तब हम लोग सैलरी लाए थे, तो उसका जूस बनाते हैं। तो हम पहले सैलरी का कर देते हैं, ये पूरा सैलरी स्टिक, पूरा एक बंच है सैलरी का, तो उसे मैं पहले वॉश कर लूंगी क्योंकि इसमें बहुत डर्ट होती है, तो मेरे को वॉश करना पड़ेगा पहले। तो और ये आरू को भी यहाँ पे काम करवाना है ना आरू। तो अभी हम लोग करेंगे अभी ये हो गया सैलरी का पूरा जो बंच था ना उसका हो गया। अभी मैं हाफ पाइनएप्पल का भी करूंगी। आज आप लोग को मेरे पाइनएप्पल कटिंग करने की स्किल दिख जाएगी। कचरे को साथ में ही साफ करना चाहिए, अदरवाइज मैस हो जाएगा। यार ये मशीन का एक ही प्रॉब्लम है पता है, पल्प ज्यादा निकलता है। पर मैं वेस्ट नहीं करूंगी, मैं इसका यूज करूंगी, रोटी में डाल दूंगी या फिर ग्राइंड करके छान के पी जाऊंगी, और वेस्ट नहीं करूंगी। आई डोंट लाइक टू वेस्ट फूड। और ये इतना हो गया, हम दोनों का हो जाएगा, इससे चलेगा ना नेमी छोटू क्लास। इसमें मैंने कुछ डाला नहीं है, ठीक है, काला नमक और नींबू ऐसा कुछ नहीं डाला। मस्त है ना, अच्छा ही होता है। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे तो आपको पता होगा कि मैं और नैमिष दोनों इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। तो मैं शॉर्ट में बता दी हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको सर्टेन पीरियड में खाना है और सर्टेन पीरियड तक आपको भूखा रहना है। तो मैं और नैमिष दोपहर को 11 और 12 बजे अपना लंच और ब्रेकफास्ट जो भी बोलो वो करते हैं, और हमारा लास्ट मील होता है 6 बजे, यानी कि हम लोग 11 से 6 बजे तक ही खाते हैं। पूरे दिन नहीं खाते पर इन बिटवीन, मतलब वो पीरियड में हम लोग खाते हैं, अपना जो भी मील होता है ब्रेकफास्ट डिनर लंच जो भी होता है वो टाइम में खाते हैं। बाकी हम लोग शाम के 6 बजे से सुबह से 11 और 12 बजे तक हम लोग नहीं खाते, हम लोग फास्ट करते हैं। और हम लोग सुबह उठ के सिर्फ प्लेन वाटर पीते हैं, लेमन हनी वाटर नहीं पीते, क्योंकि कोई भी ग्लूकोज अंदर डालने से आपका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है, तो वो नहीं करना है हम लोग को। तो हम लोग पहले पानी पियेंगे, फिर अराउंड अगर हमारा अगर हम लोग 12 बजे खाने वाले हैं तो 11 बजे हम लोग लेमन हनी वाटर पियेंगे, और 11:30 अराउंड हम लोग ऐसा कोई जूस पियेंगे या फिर कोई फल खाएंगे या फिर ड्राई फ्रूट खाएंगे, डायरेक्ट मील नहीं खाएंगे। और उसके बाद जो हम लोग का एक्चुअल खाना है, जो मील है वो खाएंगे, यानी अराउंड 12 बजे तक हमारा
ब्रंच, ब्रेकफास्ट और लंच जो भी हम लोग करने वाले हैं वो हो जाता है। तो अगर आपको ज़्यादा जानना है इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, तो यहाँ पे ऊपर मैं एक लिंक डाल दूंगी, वीडियो का लिंक होगा मेरे इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले वीडियो का, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और अगर आपको जानना है कि मैं अपना पूरा दिन में क्या खाती हूँ ड्यूरिंग फास्टिंग और ड्यूरिंग ईटिंग पीरियड, तो आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसका डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी। तो अभी मैं एंजॉय करती हूँ ये सेलरी पाइनएप्पल ग्रीन जूस। यम, पता है मेरे को ऐसे सैलरी पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, पर इसका जूस करने पे वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और ये आ गया मेरा आरू। आरू आरू पूरा अपना जूस है ना बाहर निकाल रहा है, पी नहीं रहा है। क्यों आरू, यू वांट टू ट्राई मम्मा जूस? अले मम्मा मम्मा नो। तो अभी मैं और निमिष दोनों बाहर है और आरुष अभी अकेला खेल रहा है, देखते हो क्या कर रहा है। मेरे ट्राइपॉड स्टैंड से खेल रहा है वो। एंजॉय करने देते उसे अपना मी टाइम। तो आधा घंटा अकेले खेलने के बाद देखते हैं आरुष क्या कर रहा है। चलो और देखते हैं और कितना खेलता है यार वो अपने आप। अभी वो अपने आप खेलने में लगा है तो मैं खाना पका लेती हूँ। आई एम डन विथ माई कुकिंग, मैंने डिनर कुक कर लिया है। दाल बनाई, सब्जी बनाई और ये है राइस एंड कीनवा। और अभी देखते हैं आरुष क्या कर रहा है। आज अपनी बुक फाड़ देगा पूरी ऐसा लग रहा है। तो अभी मैं और आरुष आ गए हैं लेक पे, और आज नैमिष नहीं आए क्योंकि आज हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्सल आने वाला था जिसके लिए हम लोग को सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती। तो नैमिष अभी घर पे ही है, पार्सल रिसीव करने के बाद वो यहीं आ जाएंगे। और तब तक मैं और आरु थोड़ा खेल लेंगे। निवान आरु को हगी करो, गो हगी हगी। चलो हग करो हग करो हग करो। ये नो गुंडा कर दी। अरे गो उसको पकड़ के ला, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर वहां से रिटर्न। आरो शॉप कर रहा है अपनी बोतल का ऐसा लग रहा है। आरो निमान को पिलाओ पानी। छोड़ दे, निभा ने पी लिया, बहुत पी लिया। हम जो आरु पानी पी रहा है, देखो आरु आना बंद ऐसे लेके बैठ। आरु दिख 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 आगे। आरु वापस आओ। छुट्टी भी दिया
का ओ तो अभी मैं और आरू आ गए हैं घर पे और निमिष अभी भी वो पार्सल की वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं आया। और फिर मैं और आरू आ गए वापस। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कल मिलूँगी नए दिन के साथ। बाय।